हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन पे जाएंगे। इससे पहले हमारा लेक्चर क्या था, व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और वो कैसे वर्क करता है, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अब उसका हमारे पास कैलकुलेशन पार्ट रह गया है जो मैंने इस वाले वीडियो में डिस्कस किया है, कैलकुलेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन में हमें करना क्या है, बेसिकली हमें बेसिकली यहां पे निकालना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्जेड पार्टिकल जो साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल आता है, उसके साथ में कितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, वो किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है, पहला। दूसरा, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है। तीसरा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो बेटा, अगर आपको साइक्लोट्रॉन थोड़ा बहुत याद होगा तो आपको याद है कि उसमें डीज होते हैं, ये वाला एक डी होता है, यहां पे और एक डी होता है, अगर आपने वीडियो देखा है। हम चार्जेड पार्टिकल को इधर इधर इंसर्ट करते हैं, वो पहले ऐसे जाता है, यहां पे एक सेमी सर्कल को ट्रेस करता है, जो ही वो, अच्छा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, कुछ ऐसे। हम पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल को यहां पर डालते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव डी से नेगेटिव डी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, अंदर इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है जो हमने पिछले वीडियो में बिल्कुल सारा डिस्कस किया है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ फॉलो कराता है और ये इस डी में एक सेमी सर्कल को सेमी सर्कल बनाता है, और जो ही ये अपना सेमी सर्कल कंप्लीट करता है, ये जू ही डी से बाहर आता है, याद रहे ये जू ही डी से बाहर आता है, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द सेमी सर्कल इन साइड द डी, डी में जब ये सेमी सर्कल को कंप्लीट करता है और डी से बाहर आने की कोशिश करता है तो ये पोलैरिटीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, और इन पोलैरिटीज को चेंज कौन करता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। पिछला वीडियो आप प्लीज देखे, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोलैरिटीज को एट दैट टाइम चेंज करता है और ये चार्जेड पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फिर अट्रैक्ट होता है, यहां पे ये और एक सर्कल बनाता है लेकिन उसकी रेडियस इस वाले सेमी सर्कल से ज्यादा होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहां पे दूसरे डी में ये सर्कल बनाता है, सेमी सर्कल बनाता है, उस वाले सेमी सर्कल की रेडियस जो है वो पहले वाले सेमी सर्कल की रेडियस से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और यही प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, और चार्जेड पार्टिकल गोल गोल घूम के अपना एनर्जी को इंक्रीज करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और पेरिफेरीज पे जाके ये बाहर निकलता है विद लार्ज काइनेटिक एनर्जी और स्ट्राइक करता है टारगेट को। ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, देखा होगा। अब देखो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आज की कॉन्सेप्ट में हम निकालना चाहते हैं दैट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द चार्जेड पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ सर्कल इन द डी, डी में इसको हाफ सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। देखो हम यहां पे फुल सर्कल का टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आप हाफ सर्कल का क्यों बनाओगे, फुल सर्कल का टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। मैंने कहा दैट जो पहला हाफ सर्कल बनता है उसकी रेडियस और जो दूसरा हाफ सर्कल बनता है उसकी रेडियस अलग अलग होती है, मतलब पहले हाफ सर्कल की रेडियस कम होगी, दूसरे हाफ सर्कल की रेडियस ज्यादा होगी, इसलिए हम इसको सर्कल नहीं मान सकते। हम तब इसका फुल सर्कल का टाइम पीरियड निकाल सकते थे जब ये फुल सर्कल एक जैसी रेडियस का होता, ये ऐसे होता, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, देखो ये ऐसे है, ऐसे, इसका मतलब यहां पे रेडियस अलग है, यहां पे रेडियस अलग होगी, यहां पे रेडियस अलग होगी, देयरफॉर हम इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे एज अ, बोलो, फुल सर्कल। यस, हमें इसको ट्रीट करना है एज अ हाफ सर्कल, इसलिए मुझे यहां पे कैलकुलेशन क्या करनी है, मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द टाइम टेकन By the charged particle to complete half circle in a d, एक d में
इसको हाफ सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और मुझे यह भी देखना पड़ेगा दैट क्या इस वाले सर्कल को, हाफ सर्कल को कंप्लीट करने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू ये वाला सर्कल। हमारा कॉन्सेप्ट यही है, टाइम कैलकुलेट करने के पीछे यही रीजन है दैट हम देखना चाहते हैं जो भी ये डिफरेंट रेडिए के सेमी सर्कल्स बनाता है, जो चार्जेड पार्टिकल डिफरेंट रेडिए के सर्कल्स बनाता है, पहले यहां पे आधा सर्कल बनाया उसकी रेडियस कम है, फिर और एक आधा सर्कल बनाया उसकी रेडियस इससे ज्यादा है, फिर और एक आधा सर्कल बनाएगा उसकी रेडियस उससे भी ज्यादा है, फिर जो नया सर्कल बनाएगा, आधा सर्कल बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा, उसकी रेडियस उनसे ज्यादा है। हमें देखना पड़ेगा दैट जो ये डिफरेंट रेडिए के सेमी सर्कल्स बनाता है कौन, चार्जेड पार्टिकल, क्या इसको डिफरेंट टाइम लगता है या इसको सेम टाइम लगता है। दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद और एक चीज हमें देखनी पड़ेगी दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्जेड पार्टिकल, चार्जेड पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ये किस मैक्सिमम वेलोसिटी से डी से बाहर आ सकता है, जब ये डी से बाहर आएगा इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैं निकालने वाला हूं, पहले मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकालूंगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, उसके बाद टाइम निकालूंगा कि इसको कितना टाइम लगेगा आधा सर्कल कंप्लीट करने में। देखो, मुझे लगता है दैट कि जब ये चलेगा, ये जब बाहर निकलेगा यहां से तब इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसकी वेलोसिटी कब सबसे ज्यादा होती है, जब ये बाहर निकलेगा। तो बाहर जब ये निकलेगा, देखो बेटा, बाहर जब ये निकलेगा उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल होगी उस टाइम ये बड़ा सर्कल बनाएगा, ये वाला सर्कल बनाएगा। उस टाइम ये डी की पेरिफेरीज पे चल रहा होगा, डी के एंड्स पे चल रहा होगा। जब ये बाहर निकलेगा, डी से बाहर निकलेगा या इस साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलेगा विथ मैक्सिमम वेलोसिटी, तब उस वक्त इसकी रेडियस, जो सर्कल की रेडियस होगी बेटा, उस सर्कल की रेडियस जो है दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डी, वो डी की रेडियस के बराबर होगी। ऑब्वियसली देखो, ये मेरे पास डी है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस है कि नहीं। तो जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी से बाहर निकलेगा साइक्लोट्रॉन से, उस टाइम जो इसकी रेडियस होगी बेटा वो बेसिकली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डी मानी जाएगी। और हम जानते हैं, इससे पहले का लेक्चर जो हमने पढ़ा है उसमें हमने रेडियस के लिए रिलेशन निकाली है, रेडियस होती है mv/qb। अगर हम इस स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल आर है क्या सर, कैपिटल आर हम मान के चलेंगे दैट इट इज द रेडियस ऑफ द डीज, ये डी की रेडियस है, ये डी की रेडियस है। मतलब जब चार्जेड पार्टिकल पेरिफेरीज ऑफ डी पे चलेगा, जब चार्जेड पार्टिकल एंड्स पे चलेगा और बाहर निकलेगा, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। देखो आप अगर कंफ्यूज हो गए तो इधर देखो, वेलोसिटी जो, अगर वेलोसिटी की वैल्यू में निकालो, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वी इज इक्वल टू qb r/m। ये अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं तो ये qb r/m होगी। क्यों, क्या है सर, q इज द चार्ज ऑफ द चार्जेड पार्टिकल, ये चेंज नहीं होगा, दिस नॉट चेंजिंग, ये चेंज नहीं हो रहा है, सर्कुलेशन की वजह से q आप चेंज नहीं कर पाते हो। b एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो कॉन्स्टेंट है, वो आपने लगाया था पिछले लेक्चर में इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल को जैसे। m मास ऑफ द चार्जेड पार्टिकल है, ये चेंज नहीं होगा फॉर स्मॉल स्पीड्स, मतलब हम उतनी स्पीड इसको नहीं दे रहा है कि इसका मास चेंज हो। तो इसका मतलब हम अगर q को कांस्टेंट माने, q चेंज नहीं होगा, अगर मास को कांस्टेंट माने कि मास चेंज नहीं हो रहा है, b को कांस्टेंट माने कि इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो v जो है स्पीड ऑफ द चार्जेड पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r के। व्हाट इज r सर, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, जो ये सर्कल्स बनाता है उनकी रेडियस कितनी है। तो रेडियस अगर मैक्सिमम है तो स्पीड भी मैक्सिमम होगी, अगर रेडियस मैक्सिमम है तो स्पीड भी मैक्सिमम होगी। अच्छा, रेडियस कहां पे मैक्सिमम होगी सर, रेडियस तो पेरिफेरीज पे मैक्सिमम होगी। देखो, इस सर्कल की रेडियस इतनी होगी, इस वाले की इतनी होगी, इस वाले की इतनी होगी, इस वाले की सबसे ज्यादा होगी, ऐसे। तो जब चार्जेड पार्टिकल पेरिफेरीज पे चल रहा होगा, बाहर निकलने वाला होगा,
तब इसने मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम वेलोसिटी को गेन किया होगा, और जब ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा विद द लार्जेस्ट वेलोसिटी, ये लार्जेस्ट वेलोसिटी बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर हम स्मॉल आर को बेटा कैपिटल आर से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल आर है क्या सर? कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ द डी है। अगर इस रेडियस को रेडियस ऑफ डी से रिप्लेस किया जाएगा, तब आप बिल्कुल समझ पा रहे हो कि जो चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड होगी वह मैक्सिमम होगी। दैट्स व्हाई हमने क्या कहा, हमने कुछ ऐसे कहा, सो देयरफॉर हमने कहा कि अगर हम स्मॉल आर को हम ऐसे लिखेंगे एस, जो रेडियस है वो किसके बराबर होती है, एम वी बाई क्यू वी के बराबर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इफ आर इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर है क्या, रेडियस ऑफ डीज, ये डीज की रेडियस है, दोनों में से एक डी की, क्योंकि ये डीज आइडेंटिकल होते हैं, रेडियस ऑफ डीज, अगर आर को रिप्लेस करेंगे हम आर से रेडियस ऑफ डी से, देन स्पीड ऑफ चार्जेड पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्जेड पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ द साइक्लोट्रॉन, जो साइक्लोट्रॉन से बाहर आ रहा होगा, विल बी मैक्सिमम, वो बेटा मैक्सिमम होगी, गिवन बाय, देखो कैसे लिखी जाएगी, गिवन बाय हम ऐसे लिखेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे, QBR, V इज इक्वल टू, बोलो QB इधर मल्टीप्लाई कर दो तो QB, लेकिन कौन सा R, कैपिटल R होगा, डिवाइडेड बाय M होगा, ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द चार्जेड पार्टिकल होगी जो साइक्लोट्रॉन से बाहर आ रहा है। अच्छा, अगर स्पीड मैक्सिमम है तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसलिए दूसरा पार्ट निकालेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्जेड पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लिखेंगे के ई मैक्स जो है वो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वन हाफ ऑफ एम वी की स्क्वायर, सो वन हाफ अपनी जगह पे मैं लिखूंगा, सो दिस इज वन हाफ एम मास ऑफ चार्जेड पार्टिकल है, वी की वैल्यू हमने भी निकाली, मैक्सिमम वेलोसिटी है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर, क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज वन हाफ ऑफ एम अपनी जगह पे, क्यू को स्क्वायर करो तो क्यू स्क्वायर, बी को स्क्वायर करो बी स्क्वायर, आर को स्क्वायर करो आर स्क्वायर और एम स्क्वायर, तो हमें मिलेगा m और m कैंसल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ वन हाफ ऑफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय m। तो ये मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होगी, ये मेरे पास मैक्सिमम स्पीड की फॉर्मूला होगी, ठीक है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी। अब इसके बाद हमारा और एक कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द चार्जेड पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ सर्कल, हाफ सर्कल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, लेट अस सी। और वहीं से मैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा और उसके लिए एक्सप्रेशन बना लेंगे, दैट व्हाट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। सी, तो हमारा दूसरा पॉइंट होगा टाइम टेकन बाय चार्जेड पार्टिकल, टाइम टेकन बाय चार्जेड पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ सर्कल। याद रहे मैंने ये एक्सप्लेन किया दैट हम हाफ सर्कल का टाइम ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि फुल सर्कल बनता ही नहीं है, फुल सर्कल नहीं बनता क्योंकि पहले हाफ सर्कल की रेडियस
और दूसरे हाफ सर्कल की रेडियस बेटा एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग होती है, इसलिए हम फुल सर्कल को कंसिडर नहीं कर पाते। इसलिए हमने लिखा टाइम टेकन बाय चार्जेड पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ सर्कल, हाफ सर्कल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो अगर मैं ये ज्यूम करके चलूं दैट मेरे पास जो चार्जेड पार्टिकल है वो इस डी में चल रहा है, ठीक है ना, कब देखो कब, ये हमारे पास दो डीज है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, चार्जेड पार्टिकल को मैंने इधर डाला है। तो चार्जेड पार्टिकल क्या करेगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज यहां पे लेते हैं, पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस वाले डी में एंटर हो जाएगा और यहां पे एक सेमी सर्कल को ट्रेस करेगा, ये हम जानते हैं। अब देखो वी सपोज दैट जो इसने सेमी सर्कल यहां पे ट्रेस किया इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर इसकी रेडियस है कि नहीं। अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तब इसको कितना टाइम लगेगा इस हाफ सर्कल को कंप्लीट करने में, जरा देखते हैं। तो टाइम, अच्छा हम जानते हैं दैट स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है, तो मैं बेसिकली यहां पे टाइम की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो टाइम इधर लेके जाएंगे, सो टाइम टेकन किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड के बराबर है कि नहीं। हां सर डिस्टेंस ओवर स्पीड तो होगा। अब डिस्टेंस किसने कहां पे कवर की, सर चार्जेड पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की जब इसने हाफ सर्कल को कंप्लीट किया। अगर ये फुल सर्कल कंप्लीट करता तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्जेड पार्टिकल 2 पाई आर थी, लेकिन इसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया है तो 2 पाई आर का हाफ होगा यानी कि पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो टाइम टेकन बाय द चार्जेड पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स हाफ सर्कल जो है वो किसके बराबर होगी, पाई आर डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड, स्पीड इसकी वी मान के चलते है कि नहीं। नाउ हम लोग जानते हैं दैट जो रेडियस है वो एम वी बाई क्यू बी के बराबर होती है, ये हम जानते हैं, अभी मैंने लिखा था पहले। देयरफॉर टी जो है टी हमें मिलेगा पाई डिवाइडेड बाई वी, ये पाई डिवाइडेड बाई वी है, आर की वैल्यू हम लिखेंगे क्या, एम वी बाई क्यू बी, कुछ ऐसे। ये वी इस वी के साथ मर गया तो टाइम टेकन बाय द चार्जेड पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ सर्कल इन द डी किसके बराबर होगा, पाई एम बाई क्यू बी। देखो हमें आंसर मिला, जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था हमें आंसर मिला। अब देखो बेटा पाई एम क्यू और बी सारे कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, मास चार्जेड पार्टिकल का कॉन्स्टेंट है, ये नॉर्मली चेंज नहीं होता, चार्जेड पार्टिकल का चार्ज कॉन्स्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड आपने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पहले ही लगा के रखा है, तो इसका मतलब सारा कुछ कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट है। मतलब सर, मतलब टाइम टेकन बाय द चार्जेड पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ सर्कल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। व्हाट डज दैट मीन, चाहे सेमी सर्कल बड़ा हो या सेमी सर्कल छोटा बनने वाला हो, देखो ये वाला सेमी सर्कल बना उसके बाद ये वाला सेमी सर्कल बना, इनकी रेडियस अलग अलग है, इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस अलग है, इस वाले की अलग है, लेकिन आप देखोगे दैट ये रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब जितना टाइम इधर लगेगा इस हाफ सर्कल को कंप्लीट करने में उतना ही टाइम इधर भी लगेगा इस हाफ सर्कल को कंप्लीट करने में, उतना ही टाइम इस हाफ सर्कल को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। सो टाइम पीरियड इज अ कांस्टेंट। सर कैसे, ये सर्कल तो छोटा है, ये वाला सर्कल तो बड़ा है, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल में कैसे टाइम सेम लगेगा। हां छोटे सर्कल में चार्जेड पार्टिकल स्लोली चलेगा, ये यहां पे स्लोली स्लोली चलता है, जितना रेडियस बढ़ता जाता है, जितना रेडियस बढ़ता जाता है उतनी वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बड़े सर्कल में ये तेज चलेगा और उतने ही टाइम में कंप्लीट करेगा जितने टाइम में इसने छोटा वाला सर्कल कंप्लीट किया था, इसलिए टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट है। अच्छा अब इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। देखो अब जब चार्जेड पार्टिकल ने, चलो एक हाफ सर्कल को मैं कंसिडर कर रहा हूं, जब चार्जेड पार्टिकल ने अपना हाफ सर्कल कंप्लीट किया, ठीक है ना, और जू ही ये इस वाले डी से बाहर निकला तो ये पोलैरिटी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने रिवर्स कर दी, इसने रिवर्स की, किसने, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर पोलैरिटी रिवर्स कर देता है कब,
जब ये चार्जेड पार्टिकल एक डी से हाफ सर्कल कंप्लीट करके दूसरे डी में जाने की कोशिश करता है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इसने हाफ सर्कल इधर कंप्लीट किया, ठीक है, जो ही हाफ सर्कल कंप्लीट किया और डी से बाहर निकलने की कोशिश की तो यहां पे पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब मुझे बताओ पोलैरिटी कब रिवर्स होती है? जरा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एक ऑल्टरनेटिंग करंट की तरह काम करता है, कुछ ऐसे इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उसके बाद और एक नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा एंड सो ऑन। और याद रहे जितना टाइम पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है बराबर उतना ही टाइम इस नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में लगेगा, उतना ही टाइम फिर से पॉजिटिव को लगेगा, उतना ही टाइम फिर से नेगेटिव को लगेगा। ये प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे बेटा पोलैरिटी चेंज हो रही है, देखो यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव है, यहां पोलैरिटी स्विच ही, यहां से लेके यहां तक ये नेगेटिव है, पोलैरिटी स्विच, यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव है। अब इसको यहां पे सेट कर दो, देखो चार्जिंग पार्टिकल जब हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, जितनी देर ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा उतनी देर ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हाफ सर्कल जो ही कंप्लीट होगा पोलैरिटी स्विच हो जाएगी। मतलब सर, मतलब ये है दैट कि इस हाफ सर्कल में, इस वाले हाफ सर्कल में, अगर मैं इस वाले हाफ सर्कल को मानूं, सॉरी इस वाले हाफ साइकिल को मानूं कि ये हाफ सर्कल है, देखो 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 मैं दोनों को चला रहा हूं, यहां इसको यहां इसको, देखो ये ऐसे चलेगा तब तक ये ऐसे चलेगा तब तक ये ऐसे चलेगा, ये यहां पहुंचेगा ये यहां पहुंचेगा, और पोलैरिटी देखो पोलैरिटी स्विच, तो जो ये नेक्स्ट डी में एंटर होने की कोशिश करेगा पोलैरिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है, ऐसा कब पॉसिबल है बोलो, कैसे कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब जितना टाइम इस चार्जेड पार्टिकल को अपना हाफ सर्कल कंप्लीट करने में लगा, अगर उतना ही टाइम इसको अपना एक हाफ साइकिल कंप्लीट करने में लगा, ये दो सेकंड चला, दो सेकंड के बाद पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए, तो मतलब ये दो सेकंड के बाद ये अपना हाफ साइकिल दो सेकंड में कंप्लीट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि इसके हाफ साइकिल, हाँ इसके हाफ साइकिल का टाइम और इसके हाफ सर्कल का टाइम अगर सेम है तब पोलैरिटी राइट टाइम पे स्विच होगी, है कि नहीं? हाँ स्विच तो होनी चाहिए क्योंकि स्विच होना जरूरी है। देखो ये कौन सी पोलैरिटी है, नेगेटिव, ये कौन सी है, पॉजिटिव। जब इसने अपना हाफ सर्कल कंप्लीट किया तब ये खुद पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव डी में नहीं जा सकता, इसको जरूरी कौन सा डी बनाना पड़ेगा, नेगेटिव डी, तो जरूरी है कि पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए, ये वाला पॉजिटिव बनना चाहिए, तो ये इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इस वाले डी में दूसरा सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको साइक्लोट्रॉन को प्रॉपरली चलाना है तब इसका टाइम जो आपने निकाला कितना, पाईएम बाय क्यूबी, और इसका टाइम, इसका ये देखो इसका टाइम सेम होना चाहिए, टाइम टेकन बाय द चार्जेड पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ सर्कल एंड टाइम टेकन बाय द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर टू कंप्लीट हाफ साइकिल, वेरी गुड, मस्ट बी इक्वल, ये सेम होनी चाहिए, है कि नहीं? अच्छा अगर ये सेम है तो मुझे बताओ इसको भी कितना टाइम लगेगा फिर? सर इसको तो यही टाइम लगेगा, क्या, पाई एम बाय क्यू बी। अच्छा इसको, सर इसको भी पाई एम बाय क्यू बी लगेगा क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का यह उसूल है कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में पाई एम बाय क्यू बी लगा तो नेगेटिव में भी पाई एम बाय क्यू बी ही लगने वाला है। अब जब ये अपना एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो हम कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का एक फुल सर्कल, सॉरी एक फुल साइकिल कंप्लीट हुआ है। देखो देखो जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगा इसको फुल साइकिल कहा जाता है, और इस फुल साइकिल को जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको टाइम बोलेंगे या टाइम पीरियड बोलेंगे? सर उसको तो टाइम पीरियड बोलेंगे,
क्योंकि जब सर्कल कंप्लीट होगा, साइकिल कंप्लीट होगा, इसको टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हाफ सर्कल है। अगर फुल होता तो टाइम पीरियड बोलता मैं, लेकिन यहां पे फुल साइकिल कंप्लीट हुआ है तो इसको टाइम पीरियड ही बोला जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कितना होगा? सर इसका टाइम प्लस इसका टाइम। इसका टाइम कितना है? सर इतना ही, पाई एम बाय क्यू भी। अच्छा इसका कितना है? सर पाई एम बाय क्यू भी। दोनों का मिला के कितना होगा? ट्वाइस पाई एम बाय क्यू भी। राइट, सो देयरफॉर वी कैन राइट डाउन हियर, हम ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आपके पास है, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कितना होगा? इज t इज इक्वल टू टू टाइम्स t, स्मॉल t टू टाइम्स, तो t इज इक्वल ट्वाइस t की वैल्यू कितनी? पाई एम बाई, हाँ बोलो, क्यू बी, कुछ ऐसे। ये टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी होती है वन अपन टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो वन डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड क्या देगा? फ्रीक्वेंसी। वो कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? क्यू वी बाई टू पाई। और इसको क्या कहा जाएगा? इसी को बेटा, इसी फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रहे हो उसी की फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। सो देयरफॉर नाउ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? नाउ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी न्यू इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, देयरफॉर न्यू किसके बराबर होगा? इसका रेसिप्रोकल, क्यू बी बाई टू पाई एम, क्यू बी बाई टू पाई एम। अब देखो सर, इससे क्या पता चला? इससे सर आपको क्या पता चला? देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चों ने सोचा होगा, जब मैं इससे पहले का लेक्चर, इससे पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा, इससे पहले का लेक्चर मैंने साइक्लोट्रॉन पे दिया, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम कैसे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे सो दैट जब भी कौन चार्जेड पार्टिकल अपना हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो ऑसिलेटर अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा। ये हमें ही करना है ना, हम ही हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को लगा रहे हैं। तो सवाल ये था दैट सर हम कैसे सेट करें, हमें पहले ही कैसे पता चलेगा दैट ये कितने टाइम में अपना हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा और हमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। देखो आपने चार्जेड पार्टिकल लिया, उसका एम आपको पता होगा, व्हाट इज एम? सर उसका मास पता होगा हमें, उसका चार्ज भी पता होगा क्योंकि हमें ही नहीं लगाया, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने ही लगाया तो इसका इंटेंसिटी भी हमें पता होगा, तो टाइम पीरियड आराम से निकलेगा, फ्रीक्वेंसी आराम से निकलेगी। तो हमें बेसिकली क्यू दिया हुआ है पहले ही, चार्जिंग पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन में डालने से पहले ही हमें यह पता है, हमें यह पता है, हमें यह एम पता है, टू पाई तो ऑलरेडी पता है, हमें चार्ज पार्टिकल का चार्ज पता होगा, जैसे हमने पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन इसमें डाला तो प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, उसका मास पहले से पता है, हमें यह पता होगा कि हमने कितने क्योंकि हम वो खुद ही लगा रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, हमने कितने गॉस या कितने टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ठीक है ना, तो वो हमें पता होगा। तो ये सारी चीजें जब पता है तो हम पहले से ही फ्रीक्वेंसी सेट करके रखेंगे, और जब आप उस चार्जेड पार्टिकल को आप साइक्लोट्रॉन में डालोगे अब वो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, और चार्जेड पार्टिकल एक्सेलरेट होता जाएगा, ठीक है ना। सो दिस वॉज अ कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द साइक्लोट्रॉन, जिसमें हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकाली जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, इसका टाइम पीरियड निकाला, इसकी एनर्जी निकाली और इसकी स्पीड निकाली। अब थोड़ा सा और हमें पढ़ना है इसमें, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के दो लिमिटेशन है, याद रखो। पहला लिमिटेशन क्या है? इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाता है, ये पहला लिमिटेशन है, ये आपको पता है, क्योंकि ये चार्जेड पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर सकता है, क्योंकि एक डी से दूसरे डी की तरफ सिर्फ चार्जेड पार्टिकल ही चल सकता है, ठीक है ना, आपको याद होगा
क्योंकि एक भी पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, और वही चार्जेड पार्टिकल्स को चलाते हैं। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, उसपे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। सो नंबर वन लिमिटेशन क्या है? इट कैन नॉट एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा न्यूट्रल पार्टिकल्स को। जैसे न्यूट्रॉन हमारे पास है, न्यूट्रल पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। दूसरा लिमिटेशन क्या है? ये लाइट पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं कर पाता, चाहे वो नेगेटिवली चार्जेड हो पॉजिटिवली चार्जेड हो, लेकिन अगर वो लाइट पार्टिकल्स है उसका मास, उनका मास कम है, ठीक है ना, ये उनको भी एक्सेलरेट नहीं कर पाता। सर क्यों? वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। हम इलेक्ट्रॉन की एग्जाम्पल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, आपको याद होगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg, लेकिन प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 × 10⁻²⁷ kg, 27, 28, 29, 30, 31, कुछ ऐसे। सो 10,000 टाइम्स जो मास है, 10,000 टाइम्स प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है एज कंप्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको डिवाइड करना है 10⁻³¹ से, लेकिन इसको डिवाइड करना है 10⁻²⁷ से ही, 27, 28, 29, 30, 31, तो 4, 0 और 1, इसका मतलब 10,000 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक क्या बोला जाएगा? लाइट पार्टिकल बोला जाएगा, ये एक लाइट पार्टिकल है। अब सवाल है सर, इलेक्ट्रॉन जो है ये लाइट पार्टिकल है, इसको ये एक्सेलरेट क्यों नहीं कर पाता? देखो, अगर आपको याद होगा एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है, हमारे पास एफ जो है दैट्स इक्वल टू एम इनटू ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी होगी? सर एक्सेलरेशन होगी एफ बाय एम। तो जिस चार्जेड पार्टिकल का मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट होगा, ठीक है ना। जिस चार्जेड पार्टिकल का मास कम होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा। तो अगर आप प्रोटॉन और किसका, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट लेंगे, तो प्रोटॉन ज्यादा एक्सेलरेट नहीं होगा, लेकिन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब सवाल है सर, वो तो फायदा है हमें, जो ज्यादा एक्सेलरेट होगा हमें तो वही चाहिए ना, हमें तो बेसिकली चार्जेड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट ही करना है। तो अब इसमें खराबी क्या है अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलरेट होता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, बेसिकली जब आप फोर्स लगाते हो, अगर आप सेम फोर्स लगाओगे इलेक्ट्रॉन पे भी और प्रोटॉन पे भी, अगर आप सेम फोर्स लगाते हो इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन जल्दी एक्सेलरेट नहीं होगा। अब उससे क्या होगा? देखो, हम डी को कंसिडर कर रहे हैं, ये मेरे पास एक डी है, ये मेरे पास दूसरा डी है, ठीक है ना, ये दो डी मेरे पास है। हमने इलेक्ट्रॉन को इधर डाला, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो ये इधर चला गया। चलो, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये इधर चला गया, लेकिन इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी वो बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो इससे पहले प्रोटॉन पे हुई थी। इसका मतलब यह है कि यह बहुत तेज चलेगा, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन। और अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, ठीक है ना, पहला टर्न इसने दिया, वेलोसिटी बहुत है, इसने पोलैरिटी चेंज की, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, ये बहुत तेज चला, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तब आइंस्टाइन की रिलेशन आ जाती। आइंस्टाइन बोलता है, जब एक चार्जेड पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल या मेटीरियल पार्टिकल की वेलोसिटी अप्रोच होगी टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब एक रिलेशन होल्ड होती है, m इज इक्वल टू m नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c². ये अब सर ये क्या है? ये जो है इसको मूविंग मास बोला जाता है या काइनेटिक मास बोला जाता है, मास ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड व्हेन इट इज इन मोशन। इसको रेस्ट मास बोला जाता है, मास ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड व्हेन इट इज एट, जब ये रेस्ट में होता है तो ये m नॉट है।
ये पार्टिकल की वेलोसिटी है जिस पार्टिकल को आप चला रहे हो, ये स्पीड ऑफ लाइट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइंस्टाइन बताता है कि जब आपके पार्टिकल्स की स्पीड अप्रोच करेगी टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल्स बहुत तेज चलेंगे, पार्टिकल्स बहुत तेज चलेंगे, ठीक है ना, कितना तेज कि उनकी स्पीड जो है वो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तब उनका मास कॉन्स्टेंट नहीं रहता, उनका मास इंक्रीज होता है, उनका मास इंक्रीज होता है। इसका पता आपको इधर चलेगा, देखो हम एज्यूम करेंगे दैट हमने जिस पार्टिकल को चलाया उसको हमने स्पीड ऑफ लाइट से चलाया, हमने पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से चलाया, मतलब v जो है ये c के बराबर है, v पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, हमने उसको स्पीड ऑफ लाइट से चलाया, मतलब ये v स्क्वायर के बदले भी c स्क्वायर ही आएगा, ये c स्क्वायर और c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 रहेगा, 1-1 0 बनेगा, तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, दैट मास ऑफ द पार्टिकल इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे अगर आपने पार्टिकल को किस स्पीड से चलाया, बोलो, स्पीड ऑफ लाइट से। तो नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशंस में बॉडीज का मास इंक्रीज नहीं होता, लेकिन या अगर होता भी है तो नेग्लिजिबल इंक्रीज होता है, लेकिन जब आपके पार्टिकल्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब उनका मास कॉन्स्टेंट नहीं रहता, हाँ उनका मास कॉन्स्टेंट नहीं रहता, उनका मास कॉन्स्टेंट नहीं रहता मतलब उनका मास चेंज हो जाता है, चेंज मतलब उनका मास इंक्रीज होता है, यही इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है। देखो इलेक्ट्रॉन क्योंकि छोटा पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, इसकी पहले राउंड या दूसरे राउंड में इतनी वेलोसिटी बन जाती है, दूसरे राउंड में ही इतनी वेलोसिटी बन जाती है कि इसकी वेलोसिटी अप्रोच होती है कहां, स्पीड ऑफ लाइट को, और अगर इसकी वेलोसिटी अप्रोच हुई स्पीड ऑफ लाइट तब क्या होगा, जरा बोलो, तब इसका मास जो है सर वो वैरी हो जाएगा, इसका मास चेंज हो जाएगा, दूसरे टर्म में इसका मास वैरी हो जाएगा, प्रोटॉन का शायद वैरी हो लेकिन पेरिफेरीज पे वैरी हो, बाहर निकलते समय वैरी हो क्योंकि उसको बहुत ज्यादा स्पीड मिली है उस टाइम, लेकिन तब तक वो एक्सेलरेट होता रहेगा। देखो ये प्रोटॉन एक्सेलरेट हो रहा है, अभी इसका मास चेंज नहीं हुआ या चेंज हुआ भी नेग्लिजिबल चेंज हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जब आप दो ही टर्म चलाते हो इसका मास इतना चेंज हो जाता है, इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है क्योंकि इसका मास बहुत कम है कि इसका मास जो है वो इंक्रीज होने लगता है, और जब मास इंक्रीज होने लगता है देखो क्या होगा, जब मास इंक्रीज होने लगता है तो हमारे हमारे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो हमने अभी डिराइव की थी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी निव इज इक्वल टू क्यू बी बाय 2πm, निव इज इक्वल टू क्यू बाय 2πm या टाइम पीरियड 2πm/qb, आप देखो बेटा ये टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी है 2πm/qb, और जो पार्टिकल चार्जेड पार्टिकल का टाइम होता है वो कितना होता है πm/qb। देखो होगा क्या यहां पे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो होगा क्या, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेलरेट नहीं होता, किसमें साइक्लोट्रॉन में। देखो हमने डीज लिए, ये हमने एक डी लिया, ये दूसरा डी लिया, इसको हमने इलेक्ट्रॉन को इधर छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन ने जब इसमें ये चला तो पहला चक्कर जब इसने पहला हाफ सर्कल कंप्लीट किया, ठीक है ना, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो इसने पोलैरिटी रिवर्स कर दी टाइम पे पोलैरिटी रिवर्स कर दी और ये पॉजिटिव बना ये नेगेटिव बना। अब जब इसने दूसरा सर्कल बनाया, सपोज इसकी वेलोसिटी तो बहुत बढ़ गई लेकिन फिर भी सपोज इसने टाइम पे पोलैरिटी चेंज की, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन तीसरी बार जब ये एक्सेलरेट हुआ, ये इतना ज्यादा एक्सेलरेट हुआ कि इसका मास इतना बढ़ गया कि ये स्लो चलने लगा। देखो जब मास बढ़ेगा इसको ज्यादा टाइम लगेगा अपना हाफ सर्कल कंप्लीट करने में, हाँ इससे पहले इसको कितना लगता था πm/qb, इस वाले सर्कल में πm/qb पोलैरिटी चेंज, इस वाले में πm/qb पोलैरिटी अपने वक्त पे चेंज, ठीक है ना,
लेकिन जब इसका मास इंक्रीज हुआ, तीसरे टर्म में मास इंक्रीज हुआ, इसको ज्यादा टाइम लगने लगा, इसको पाई एम बाई क्यू भी नहीं लगा, ये स्लो चल रहा है, ये अब स्लो चल रहा है, लेकिन ये भी चल ही रहा है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने कब का, बोलो कब की, शाबाश, अपनी पोलैरिटी को चेंज किया है, क्योंकि उसको हमने क्या बताया था, देखो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर 3 सेकंड के बाद, आई सपोज 3 सेकंड के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज करना, पहला राउंड इसने दिया, 3 सेकंड के बाद पोलैरिटी चेंज हुई, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज नहीं हुआ है, और भी ज्यादा एक्सेलरेट नहीं हुआ है। दूसरा टर्न इसने दिया, अभी ये उतना ज्यादा एक्सेलरेट नहीं हुआ, तो 3 सेकंड के बाद फिर से पोलैरिटी चेंज हुई, ठीक है ना, क्योंकि हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की सेट कर दी है फ्रीक्वेंसी, किस मास पे, जो पहले इसका मास था इलेक्ट्रॉन का, जब ये इंक्रीज नहीं हुआ था। अब तीसरे टर्न में इसको इतनी ज्यादा वेलोसिटी मिली कि इसका मास इंक्रीज हुआ, किसका मास इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेट किस मास पे हुई थी, सर पहले वाले मास पे, उसकी तो हमने चेंज नहीं की, पहले वाले मास पे उसकी फ्रीक्वेंसी सेट हुई थी, वो तो अपने 3 सेकंड के बाद पोलैरिटी चेंज करेगा, लेकिन इसको तो टाइम लगेगा, अरे है कि नहीं, किसको, इसको तो ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसका मास इंक्रीज हुआ तो टाइम बढ़ जाएगा, ये पार्टिकल स्लोली चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये भी यहीं पे है तो इसने पोलैरिटी चेंज की, ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, अब देखो अब परेशानी है, यहां पे चार्जेड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो खुद नेगेटिवली चार्जेड है, डी भी नेगेटिवली चार्जेड बना, ये रिपल हो जाएगा, ये इधर जाएगा ही नहीं, इसको ये रिपल करेगा वापस, तो ये एक्सेलरेट होना बंद हो जाएगा। आप समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, जो ही इसने थर्ड टर्न लिया, थर्ड टर्न में ये इतना ज्यादा एक्सेलरेट हुआ, इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ गई दैट इसका मास बढ़ना स्टार्ट हो गया, एज पर आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, सॉरी आइंस्टाइन्स मास रिलेशन, एम इज इक्वल टू एम नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c² की वजह से इसका मास बढ़ना स्टार्ट हो गया। जब इसका मास बढ़ना स्टार्ट हो गया तो इसने ज्यादा टाइम लिया अपने हाफ सर्कल को कंप्लीट करने में, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को कहा गया था कि तुम 3 सेकंड के बाद पोलैरिटी अपनी चेंज करना, उसने पोलैरिटी चेंज की लेकिन ये इधर पहुंचा ही नहीं था, तो ये डी नेगेटिवली चार्जेड, चार्ज नेगेटिवली चार्जेड, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इसको यहां नहीं बढ़ने देगा, इसको वापस करेगा, मतलब ये एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने कहा दैट इट कैन नॉट एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, किनको, लाइट पार्टिकल्स को, क्यों, क्योंकि लाइट पार्टिकल्स जो है वो साइक्लोट्रॉन के साथ इन सेटअप में नहीं होते, क्या नहीं होते, इन सेटअप, इन सेटअप मतलब हो गया दैट कि जो फ्रीक्वेंसी या पोलैरिटी चेंज होने का टाइम होता है और हाफ सर्कल को कंप्लीट करने का टाइम होता है वो सेम नहीं होते, वो अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं आउट ऑफ स्टेप होना। तो हम कहेंगे दैट इट कैन नॉट एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, किनको, लाइट मास पार्टिकल्स, लाइट मास चार्जेड पार्टिकल्स, लाइट मास चार्जेड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा बिकॉज दे गो आउट ऑफ स्टेप इन द साइक्लोट्रॉन, वो आउट ऑफ स्टेप हो जाते हैं इन द साइक्लोट्रॉन, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन देयर मास, ड्यू टू इंक्रीज इन देयर मास after attaining large velocity, जब large velocity इनको मिलती है, ठीक है ना, cyclotron में उनका mass बढ़ जाता है जिसकी वजह से out of step हो जाते हैं, ठीक है ना, so this was cyclotron, all about cyclotron, इससे बाहर कुछ भी नहीं है जो इसमें पूछा जाएगा।